तो चलिए सीधा राजधानी दिल्ली आपको लिए चलते हैं। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय संयुक्त तौर पर कोरोना को लेकर लॉकडाउन की स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता कर रखे हैं, सुनवाते हैं। कल भी बताया था, परमिटेड है और स्मूथली चल रहा है। जहाँ भी कोई भी समस्या हमारे संज्ञान में लाई जाती है, वहाँ हम तुरंत उसके निदान के लिए कार्रवाई करते हैं। हमारी आशा है कि इन सब कदमों के साथ लॉकडाउन इफेक्टिव रहेगा, एसेंशियल सप्लाईज की भी स्थिति संतोषजनक रहेगी और हम सब मिल करके COVID-19 के चैलेंज को इफेक्टिवली टैकल कर पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर गंगा केतकर जी। अभी तक हम लोगों ने 42,788 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। कल 4,346 यानी 4,346 सैंपल्स टेस्ट हुए हैं, विच रिप्रेजेंट्स 36% ऑफ आवर कैपेसिटी। अभी इस वक्त 123 लैब्स फंक्शनल हो चुके हैं। प्राइवेट लैब्स में 49 लैब्स को परमिशन दे चुके हैं और कल प्राइवेट लैब्स में 399 पेशेंट्स की जांच हो चुकी है। सबसे पहले ऑनलाइन क्वेश्चन है। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर issues manual on homeland masks. Is there any change in the policy now regarding widespread adoption of homemade masks? As far as homemade masks are concerned, as of now, international bodies like WHO, they have not given a very categorical opinion in terms of its usage. However, in view of the fact that there might be need to have masks available, the whole issue is being technically examined by the Ministry of Health. तो स्वास्थ्य मंत्रालय करीब करीब रोजाना क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर जानकारी दे रहा है और मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है, देश को जानकारी दी जा रही है कैसे सरकार और प्रशासन मिलकर कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही है। पिछले 24 घंटे को लेकर आंकड़ा बताया गया 227 नए मामले सामने आए हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो संकट की घड़ी में पूरा देश एक साथ है और जो भी किसी भी तरह की परेशानी में सामने वाले को डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ जगह पर लोगों का समर्थन ना मिलने के चलते मामले बढ़े हैं, ये भी साफ किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। तो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, सरकार का सहयोग करें, खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, ये बार बार अपील की जा रही है और एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अपील की गई कि आपके समर्थन के बिना, जनता के सहयोग के बिना लॉकडाउन को भी सफल नहीं बनाया जा सकता, कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो भी नहीं लड़ी जा सकती। एक बार फिर से कहा गया है कि मकान मालिक जो है मेडिकल स्टाफ को भी परेशान ना करें। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से प्रेस वार्ता कर कोरोना को लेकर जो वस्तु स्थिति फिलहाल बनी हुई है उस पर विस्तार से जानकारी दी गई है।